नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में होने वाले है बहुत बड़ा परिवर्तन। आपको दोस्तों एक पत्र मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी हीरे की तरह चमका सकता है या आपको मायूस भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपके आस पड़ोस में भी हड़कंप मचने वाली है। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। हम आपको बता दें कि बुध का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों, बुध का जो ये परिवर्तन है वो आपके जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब ग्रह नक्षत्रों में बदलाव होते हैं तो आपकी राशियों में महाराशि फल के कारण बड़े परिवर्तन आपके सामने आते हैं। और दोस्तों, हम जानेंगे कि इसका प्रभाव आपकी राशि वाले जातकों के व्यापार पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के व अन्य सभी स्रोतों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। वीडियो के बीच बीच में बहुत ही गंभीर सावधानियां भी बताई गई हैं और दोस्तों अंत में कुछ खास उपाय भी दिए गए हैं। जो व्यक्ति पूरी वीडियो देख लेगा तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि उसके सारे कष्ट समाप्त होंगे। यदि आप भोले बाबा के और बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और दोस्तों, श्रीपति राम के यदि आप सच्चे भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से उन्हें अपना ईष्ट मानते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सियापति राम अवश्य लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत खिल सकती है। आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं, उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में भी आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधरने के कारण बिगड़ भी सकती है। दफ्तर के कामकाज में थोड़ी व्यस्तता के चलते दोस्तों आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। खाली वक्त में आप कोई फिल्म देख सकते हैं और ये फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। दोस्तों, लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है। आपको दोस्तों बधाई जीवन से जुड़ी हुई उसकी योजनाओं में मदद करने की बेहद ही आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको बता दूं, आज के दिन सभी कार्य आपके संग है और जल्द ही दोस्तों आप लोगों को सरकार और संबंधित एजेंसियों से बेहतरीन प्रस्ताव आप लोगों के आगे आने वाले हैं। आपको आजीविका कमाने के लिए भी कुछ सहारा मिल सकता है। ना की भावना को और मैं की भावना को अपने अंदर कोई भी जगह नहीं देनी चाहिए। एक अच्छी महिला की ये बड़ी पहचान होती है कि वह समय और स्थिति के अनुसार सभी से घुल जाती है। हर लड़का यही सोचता है कि उसकी पार्टनर उसे टाइम दे और उसका ख्याल रखे, अपेतु ऐसा महिलाओं को करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो और आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इन दिनों में आप लोगों ने जिन चीज़ों का प्रयास किया है वह चीज़ अब आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में नए बड़े बदलाव कर रहे हैं, नई तरक्की हासिल होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। व्यवसाय में कुछ नीतियाँ लागू करेंगे वह धन भी खर्च कर सकते हैं जिसमें व्यापार को आगे बढ़ा सकें। व्यापार में हो रही समस्याओं के लिए अपने भाई बंधुओं से बातचीत कर सकते हैं। संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आज आप थोड़ा सा परेशान दिख सकते हैं, जिसके लिए आप धन निवेश करने का निश्चय करेंगे। विद्यार्थी कुछ विषय में समस्या को लेकर गुरुजनों से बात कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी अच्छा है। आप अपने लिए भी समय निकालें, इसमें कामयाब रहेंगे। घर के कार्य में भी व्यस्ततम नजर आएंगे। इस राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य गुजरने वाला है। और दोस्तों, काम धंधे की नौकरी से भी आप लोग के रूटीन के काम होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपकी बातों से प्रसन्न होंगे व आपको कोई बड़ा पद भी सौंप सकते हैं, जिसके बाद आपको समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको धैर्य के साथ पहले से ही सभी चीजों को समझना चाहिए और दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों, कोई मित्र आपसे धन उधार मांगे तो आपको उसे कोई सोच समझ करके देना चाहिए। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं।
किसी संस्थान से इस बारे में चर्चा हो सकती है। अपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपस में किसी बात पर विवाद हो सकता है, अपने क्रोध पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजना बना लें, क्योंकि दोपहर बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं। आपके काम स्वतः बनना शुरू हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धियां को लेकर घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। मित्र अथवा संबंधियों के साथ में किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। अच्छी व्यवस्था बनाकर रखने की आवश्यकता है। स्टॉक पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में अच्छे संबंध मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि कोई काम गलत होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में समय व्यतीत करने से वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में अपना समय नष्ट ना करें। समय बहुत ही अनुकूल है। आज कुछ सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाने व उसका उपयोग करें। साथ ही बनाई गई योजना में निकट समय 100% समय प्रदान करने वाला है। ध्यान रखें कि निर्णय लेने से समय लगाने से चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। साथ ही बाहरी व्यक्तियों को हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का केंद्र बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं करें। व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। रुका हुआ पैसा आने से आर्थिक परेशानियां खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के रूप हैं। अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। काम की अधिकता के कारण आप अपने दाम्पत्य संबंध को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु स्थिति में आप लोगों को कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में उचित आराम लेना बेहद ही जरूरी है, वरना दोस्तों आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है। मानसिक शांति आप लोगों के काम में बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से आपका समय मजबूत है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी से दूर रहें। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आपके जीवन साथी के साथ में आप लोग का रिश्ता काफी अच्छा रहेगा। परिवार को ज्यादातर आप लोगों को बिजी नजर आ सकते हैं। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको व्यापार में अचानक से धन मिलने से आपको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा व अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। लेकिन आपको आज कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। अपने रिश्ते को वक्त रहते संभाल लीजिए, नहीं तो दूरी इतनी बढ़ सकती है कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। दोस्तों आप अपने किसी मित्र से यदि कोई पैसे का लेन देन करें तो बहुत ही सावधानी से करें। प्यार और परिवार की बात की जाए तो आज आप उदास महसूस कर रहे हैं और कुछ समय सार्वजनिक कार्यों से कटाव करके अकेले में बिताना चाहते हैं। यदि किसी के लिए पागल हैं तो अभी पूरी तरह साहस बटोर कर अपनी चाहत का इजहार करें। दोस्तों कुछ खास उपाय बता रहे हैं, जो है दोस्तों शनिवार का उपाय। शनिवार की शाम तकरीबन 7 बजे के समय सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, जिसके 4 मुंह होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आपको जला लेना है। ओम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना होगा और बिना पीछे मुड़कर देखकर सीधे सीधे आप अपने घर आ जाइए। बहुत शानदार उपाय है, करके जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला उपाय सीधा मंगलवार के लिए बता रहे हैं। दोस्तों आपको बड़ का पत्ता तोड़ लेना है, उसे साफ स्वच्छ गंगा जल से धो सकते हैं और दोस्तों स्वच्छ जल से भी धो सकते हैं। उस पर लाल के पेंट से रंगोली से अपनी मनोकामना लिखनी है। उसे कुछ दिन हनुमान जी के चरणों में रखना होगा और इतने में आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए। उसके बाद ये पत्ता आप अपने पर्स में रख लीजिए। आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, तो देखेंगे परिणाम आपके समक्ष होगा। तो अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा व आपसे जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।